Hello guys, hope you all are doing well. This is Tejas Jalan. और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चल गया ही होगा कि ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं. हम जब भी कनाडा के लिए प्रोसेस करते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या फिर वर्क परमिट हो, हमें मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है. पूरा प्रोसीजर होता है IRCC की तरफ. तो हम जब मेडिकल टेस्ट दे के आते हैं, उसके विदिन 10 डेज हमें एक रिक्वेस्ट आती है एडिशनल मेडिकल टेस्ट के लिए. एडिशनल मेडिकल टेस्ट उन लोगों के लिए आता है जिसके चेस्ट एक्सरे में कुछ वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं. ये वाइट स्पॉट्स कुछ नहीं होते, आपको पास्ट TB की कोई हिस्ट्री हो, ऐसा कुछ भी हो तो ये वाइट स्पॉट होते हैं. मेरे केस में भी ऐसा हुआ था. हालांकि मैं कोई स्मोकिंग नहीं करता, नो ड्रिंकिंग कुछ भी नहीं करता, ना ही मेरा कोई पास्ट में TB का हिस्ट्री है, फिर भी मेरे केस में ये आया था. तो आपको भी आ सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. तो आपको क्या करना चाहिए जब आपको ये मतलब रिक्वेस्ट आए, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं हम ये वीडियो बना रहे हैं. बेसिकली इसके दो तरीके हैं आप इसको टैकल कर सकते हो. जो फर्स्ट वन है उसको मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका ये क्वेरी उस तरीके से सॉल्व होगा कि नहीं. उसके लिए आपको जब भी एक मेल आए विदिन, आपने पहला मेडिकल दे दिया, उसके विदिन 10 डेज में आपको एक रिक्वेस्ट आएगी एडिशनल मेडिकल टेस्ट की. तो आपको जब ये रिक्वेस्ट आए तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना नहीं है. मेडिकल उसमें लिखा गया आप अपने मेडिकल सेंटर पे विज़िट करो, पर आपको अपने मेडिकल सेंटर पे विज़िट नहीं करना है, आपको सीधे जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में. तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पर आप अपना एक्सरे कराइए और वो रिपोर्ट देखिए. अगर वो एक्सरे आपका क्लियर आता है, वाइट स्पॉट्स नहीं दिख रहे, तो फिर आप दूसरे मेडिकल के लिए अप्लाई करो. मतलब पूरा एग्जामिनेशन आपको दूसरे हॉस्पिटल में से कराना है. तो हो सकता है आप दूसरी बार मेडिकल में से आपका वो जो चेस्ट एक्सरे वो क्लियर हो जाए और आपका सारा मेडिकल क्लियर जाए. पर इसी दौरान अगर आपने सेम हॉस्पिटल में विज़िट किया तो वो लोग आपकी जो GCK में रहता है वहाँ अपलोड कर देंगे कि आपको ये स्पूटम टेस्ट, मतलब जो भी मेडिकल का वाइट स्पॉट्स की वो क्वेरी है, मतलब आपको उसका मेडिकल एडिशनल टेस्ट देना पड़ेगा. दूसरा जो तरीका है उसमें आपको कुछ नहीं करना है. जो हॉस्पिटल जैसा भी बोला कि आपको मतलब स्पूटम टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपको स्पूटम टेस्ट देना पड़ेगा. स्पूटम टेस्ट में क्या होता है कि कंटिन्यूस 3 डेज आपको कंटिन्यूस सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में जाना है. वहाँ जाके सिर्फ अपना स्पूटम जो होता है वो सैंपल देना है और आ जाना है बस. अब ये जो स्पूटम आपने दिया है उसके 3 टेस्ट वो लोग करेंगे. स्पूटम कल्चरल टेस्ट होता है, एक्सपर्ट टेस्ट होता है और एक स्पूटम स्मियर टेस्ट होता है. और जिसमें जो स्पूटम स्मियर टेस्ट है उसका रिजल्ट आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा. जो भी हॉस्पिटल की एप्लीकेशन है उसमें भी आपको दिखा देगा वो नेगेटिव है पॉजिटिव है. इन केस अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको पहले ही बता देंगे. वो अगर वो नेगेटिव आया तो मतलब अच्छा है आपके लिए, कल्चरल के भी नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, तो अपना ये अगर स्पूटम का दे दिया है तो अभी जो मेन टेस्ट का जो कल्चरल टेस्ट है उसका रिज़ल्ट 56 डेज के बाद ही आएगा. तो आपको 56 डेज तक वेट करना रहेगा इसके लिए. हाँ, तो गाइज़ आपने अपना स्पूटम टेस्ट करा लिया है, मतलब उसके सैंपल ले आए हो और आप 56 डेज़ के लिए अभी वेट कर रहे हो. तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी फाइल लॉन्च नहीं की होती है जब ये वेट कर रहे होते हैं 56 डेज के लिए. तो क्या आप अपनी फाइल लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? तो ऑफकोर्स आप लोग अपनी फाइल लगा सकते हो, क्योंकि बिना मेडिकल के रिज़ल्ट आए IRCC अपना मोस्टली अपना रिज़ल्ट नहीं बताएगी कि आपको या नहीं, अपना PPR देना है या नहीं. वो मेडिकल के बिना IRCC नहीं बताएगी, वो लोग वेट करेंगे 56 डेज के लिए. सो वो कोई बड़ी बात नहीं है. मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, जब तक आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा IRCC आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती है. और दूसरी बात ये है कि अगर आपने फाइल लॉन्च कर दिए फिर आपका मेडिकल का ये रिक्वेस्ट आता है तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जब तक आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा, स्पूटम टेस्ट नेगेटिव होगा आएंगे मतलब 56 डेज के बाद, तब तक आपको IRCC रिजेक्ट नहीं कर सकता है. तो हाँ, आप फाइल लॉन्च कर सकते हो. और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कनाडा में आने के बाद आपको अगर मेडिकल सर्वेलेंस लेटर मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए.
तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, एयरपोर्ट पे आपको जो स्टडी परमिट देंगे वहाँ आपको बताएंगे कि आपको विद इन 30 डेज अपना जो ये एक्सरे है, मतलब रिपीट एक्सरे या फिर मेडिकल सर्वेलेंस वो करना होगा। तो उसके लिए एक टोरंटो पब्लिक हेल्थ का वो नंबर देंगे आपको, वहाँ पे आपको कॉल करना है, उनको ये बताना है कि आपका सर्वेलेंस आया है, उनको ईमेल करना है आपका सर्वेलेंस और वीज़ा और डिटेल्स वो सब कुछ। वो लोग आपको बताएंगे कि भाई आपको इस डेट पे यहाँ पे जाके अपना सर्वेलेंस पूरा करना है। आमतौर पर यहाँ पे तो बहुत बड़ी बैकलॉग है इस सर्वेलेंस में। मुझे विद इन 9 मंथ का जो है वो बोला गया कि आपका 9 मंथ के बाद जो मेडिकल सर्वेलेंस की प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो यही है जो मैं आपको सबको बताना चाहता। बाकी ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये वीडियो मैं कुछ लाइक या सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब मेरा ये केस आया था तो मैंने बहुत सर्च किया पर मुझे कोई अच्छा वीडियो नहीं मिला था, जिस पर इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये आपको हेल्प करे आपकी जो प्रोसेस है उसमें। सो या सिर्फ थैंक यू।